Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Rotational yes, ma'am. Symmetry means suppose आपका कोई object यहाँ है. Suppose this is a duster. Shape is rectangular. Shape इसका क्या है? What is the shape of this rectangular shape? तो यहाँ आप इसको इस तरह से इस position से start करते हो. Okay? After that यहाँ से हमने इसको इस तरह से पूरा एक सर्कल पे रोटेट किया. सेकेंड रोटेशन मीन्स सेम, यहाँ से स्टार्ट किया और फिर इस पोजीशन पे 90 डिग्री एंगल, यहाँ हो गया आपका 90 डिग्री एंगल. फिर हमने यहाँ से क्या किया, एक और रोटेशन स्टार्ट किया, ऐसे यहाँ आ गया. ओके इस तरह से आ गया, ये सर्कुलर फॉर्म में आया यहाँ 90 डिग्री. एक बार हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो आपको एस एप्स मिला, यहाँ से स्टार्ट किया इस पोजीशन पे. अब यहाँ से हमने ऐसे किया तो ए आपको एस एप्स मिला. सपोज दिस इज अ रेक्टेंगल, जब आपने इसको रोटेट किया तो आपको दूसरा शेप क्या मिला, लाइक दिस. ओके नाउ थर्ड आपने क्या किया, थर्ड सेम पोजीशन पे आपने इसको रोटेट किया, सो यू गेट अगेन रेक्टेंगुलर शेप. ऐसे जैसे स्टार्टिंग में जो पोजीशन था वही पोजीशन मिला, गॉट इट. नाउ नेक्स्ट इफ यू रोटेट लाइक दिस, अब यहां से हमने इस तरह से रोटेट किया, ये आ गया आपका 90 डिग्री, आफ्टर दैट 180 डिग्री एंड 270 डिग्री. ये थर्ड रोटेशन है. ओके थर्ड रोटेशन यहाँ गया 270 डिग्री. 270 डिग्री पर आपको फिर कौन सा शेप मिला, लाइक दिस, इस तरह का शेप मिला. नाउ ओरिजिनल शेप एट लास्ट. तो यहाँ पर जैसे आपने ओरिजिनल मीन 360 आपका कंप्लीट पूरा कितना मिला, 360. तो ओरिजिनल शेप आपका ही है. तो रोटेशनल सिमेट्री में आपको हाउ मेनी टाइम्स यू गेट सेम फिगर, जो ओरिजिनल शेप से जो आपने स्टार्ट किया है और कितनी बार आपको वो सेम शेप मिला, यही आपका इस एक्सरसाइज में फाइंड करना है. ओके एक्सरसाइज जो बेस्ड है यही है रोटेशन. सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑफ एक्सरसाइज 14.2, which of the following figure have rotational symmetry of order more than one? Okay, so इसमें figure given है, some figure given, you have to find order more than one. तो बैठी है कि खोपड़ी में मुझे disturb करने के लिए, disturb करने को तुम. दिशा गुप्ता प्लीज म्यूट योर स्पीकर बेटा. दिशा नंबर. सो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट फिगर गिवन लाइक दिस, आपको इसमें फाइंड करना है. सपोज दिस फिगर, फर्स्ट फिगर आपका ये है, ए गिवन है और इसको इस तरह से हमने रखा. ओके नाउ ओरिजिनल शेप आपका ये है, दिस शेप गिवन इज सर्कल. तो आपको इसको अब रोटेशन स्टार्ट करना है. सो इफ यू रोटेट, सपोज हमने यहाँ इसको मार्किंग के लिए थोड़ा सा कट कर दिया, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए. ओके डॉट के लिए मेरे पास नहीं है, दैट्स व्हाई. अब यहाँ से स्टार्ट किया, इजंट इट. नाउ वन रोटेशन इस पॉइंट से. सो जो यहां था वो अब कहां आ गया, फ्रॉम दिस पॉइंट, इजंट इट.
सो दिस इज अ वन रोटेशन. तो दूसरे रोटेशन में भी आपको सेम, यू विल गेट सेम फिगर. ओके, सपोज दिस इज अ सर्कल एंड डिवाइडेड इन टू फोर इक्वल पार्ट. अब हमने इसको वन रोटेशन किया तो आपको सेम फिगर, सेम फिगर, सेम सर्कल एंड सेम शेप, दिस शेप ऑल्सो सेम यू विल गेट. मीन सेम सर्कल आपको मिला, ए पॉइंट यहाँ आया बट आपको शेप आपका सेम मिला. नाउ नेक्स्ट रोटेशन, अब इस पॉइंट से हमने इसको फिर 180 डिग्री एंगल, मीन्स थर्ड रोटेशन. इस पॉइंट पर ओके, सो सेम सर्कल यू विल गेट. नाउ अगेन, अब ये जो पॉइंट है इससे फिर हमने रोटेट किया तो यू गेट अगेन सर्कल, अगेन सर्कल. आपको ये चारों इसके अंदर का फोर जो लाइन है ऑल्सो यू गेट सेम, इजंट इट. नाउ वन मोर, अब एक और आप रोटेशन करोगे वन टाइम्स मोर तो यू गेट यू दिस वन इज अ, आपको क्या मिला ओरिजिनल सेट, ये टॉप में था ऑल्सो यू गेट इन टॉप. ओके दिस सेट, सो फोर टाइम्स ऑर्डर आपको कितना मिला, फोर टाइम्स सेम सेट. सो यू हैव टू राइट इट ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मोर देन वन, ए पार्ट फोर मीन्स मोर देन वन. ओके Now moving on second part. So second part, second figure given, triangle B part, triangle. Okay. So again start rotation. अब इसका भी rotation start करो. This shape. Okay. A shape है. Visible properly beta. Now start rotation. So you get, अब यहां से इस पॉइंट से हमने रोटेशन शुरू किया. So this one exactly A point. A आपका यहां little bit plane है और इस plane से हमने इसको rotate शुरू किया. Start. Now same. So you get also same triangle. This one is a figure. इसको rotation किया आपने one rotation, you'll get same. आप check करो, you'll get same triangle, same shape. Next rotation this one. If you move, ये नीचे आ गया तो आपको A शेप मिला. अगेन ये जो पॉइंट आ गया, पॉइंट यू विल गेट, पहले कैसे था इस तरह से, ए पॉइंट इधर आ गया. पहले ये पॉइंट आपका ऊपर था, ऊपर से फिर कहां आया, हियर. नाउ हियर. ओके, अब आप फोर टाइम्स करोगे, ये आपका वन टू, टू के बाद फोर टाइम्स में ये आ जाएगा ऑन टॉप. थर्ड टाइम्स में ओरिजिनल सेट जो पहले जहां से आपने स्टार्ट किया था, सेम फिगर यू विल गेट. सो हाउ मेनी टाइम्स ऑर्डर यू विल गेट, थ्री टाइम्स, थ्री ऑर्डर मिला, थ्री टाइम्स, वन टू एंड थ्री, बी पार्ट थ्री. नेक्स्ट फिगर सी पार्ट, दिस वन आई थिंक सी पार्ट, दिस वन, दिस फिगर. Yes, ma'am. Okay, this figure, start rotation, इसका rotation start करके देख लो क्या मिलेगा. Okay, this is the original. Okay, original figure है. अब इसको हमने rotate शुरू किया तो एक shape आपको ऐसे मिला इस तरह से. This one is a, सॉरी, यहां से इस तरह से था, ये आपका ओरिजिनल शेप. लाइक दिस,
ओके देस ओके स्टार्ट रोटेशन यू गेट सेकेंड में आपको मिला सेकेंड फिगर ये जब ऐसे रोटेट करोगे तो आपको ये दोनों नीचे मिला सो चेंज इट विल चेंज नाउ थर्ड रोटेशन सॉरी सेकेंड फर्स्ट ओरिजिनल से फर्स्ट रोटेशन आपने किया फिर सेकेंड रोटेशन मीन्स 180 डिग्री आपका 180 डिग्री मीन्स इस पोजीशन पे आया तो आपको किस स्टेप में मिला स्टेप आपको इस तरह से मिला स्टैंडिंग में बट इसका जो साइड से ए पोजीशन है तो अपोजिट साइड यू विल गेट ये आपको मिला अपोजिट साइड लाइक दैट तो ये भी आपका ओरिजिनल नहीं है नाउ अगेन यू रोटेट 270 डिग्री ए आपका 90 डिग्री 180 डिग्री पर आपने रोटेट नाउ 270 डिग्री तो 270 डिग्री पर आपको जो पोजीशन मिला लाइक दिस नाउ फाइनल यहां से जब आपने रोटेट किया तो यू गेट सेम मीन्स ऑर्डर यू गेट ओनली वन टाइम यू गेट पूरा 360 डिग्री में वन टाइम आपको प्रॉपर सेम फिगर मिला मीन्स जो ओरिजिनल सेट में था वन टाइम तो ऑर्डर यू गेट थ्री पार्ट वन टाइम मोर देन वन ही आपको टिक करना है एंड इसका क्या मिला वन टाइम ओनली वन टाइम ओके नाउ फोर्थ पार्ट given x so x you can check it x aap isko bhi check kar lo rotate karke to is tarah se milega now 180 degree you get 180 degree x ko jab aap first time rotate karte ho a aapka original shape hai now if you rotate to x is tarah se shape mila aapko so can't get original shape now if you रोटेट वन मोर टाइम 180 डिग्री पर अगर आप इसको लेके आते हो तो आपको क्या मिलता ओरिजिनल जो आपको ऊपर जो शेप था वही शेप मिला नाउ 270 डिग्री मीन्स थर्ड टाइम का जब आप रोटेशन करते हो तो आपको जैसे इधर मिला था वो शेप मिला और ओरिजिनल शेप लाइक दिस वन इज द ओरिजिनल शेप एंड फर्स्ट रोटेशन यू विल गेट दिस वन सेकेंड रोटेशन Second rotation like this means similarly to original shape. Now third, fourth, sorry, one, two, three. Third rotation में आपको मिलेगा. Third rotation जैसे ये मिला आपको, तो third rotation you will get like this means this kind of. Okay, so original shape you will get two times. First this one and this one. So two times. So you'll get D part two times. So this one is a more than one. Rotation आपको क्या मिला more than one. So D part also. Now E part. You'll do own self. बेटा इसको आप अपने से करोगे ये पार्ट हाउ मेनी टाइम्स यू विल गेट कितनी ई एंड एफ ई थ्री टाइम्स एंड एफ फोर टाइम्स नाउ नेक्स्ट सेकेंड नंबर ऑल्सो वेरी इजी ऑफ सेकेंड नंबर क्वेश्चन Give the order of rotational symmetry for each figure. अब इसमें भी आपको बताना है ऑर्डर बताना है कितने टाइम्स आपको इस फिगर में कितने टाइम्स आपको सेम सिमेट्री मिलता है सेम फिगर यू विल गेट कितने टाइम्स मिलेगा तो फर्स्ट में फर्स्ट फिगर इसको ऐसे कर दो फर्स्ट फिगर लाइक दिस फर्स्ट फिगर ये है आपका इस तरह से तो रोटेशनल सिमेट्री इसमें कितने टाइम्स मिलेगा हमें टाइम्स मिल गए
टू टाइम्स. ऑर्डर कितना मिलेगा? टू टाइम्स. ऑर्डर हाउ मेनी टाइम्स यू गेट? टू टाइम्स. सेकंड नंबर क्वेश्चन, टू टाइम्स. टू टाइम्स. तो आपको यही बताना है कि सेम ओरिजिनल जो शेप है, ओरिजिनल जो शेप है वही शेप आपको कितने टाइम्स मिला. ओके तो इसको आपने रोटेट किया, यहाँ से स्टार्ट किया तो ए चेंज हो गया, ए इस शेप में आया, तो ये ओरिजिनल शेप नहीं है. बट इसी को जब आपने ऐसे किया तो पहले ऊपर इस तरफ था और इधर भी इस तरह से सेम फिगर यू विल गेट, सेम शेप आपको मिला 180 डिग्री में. जब आपने 180 डिग्री फर्स्ट रोटेशन आपका इस तरह से था, सेकंड रोटेशन जब आपने किया तब आपको मिला ए जो है, ए पी है वो कहाँ आ गया? फ्रॉम दिस प्लेस, दिस वन, दिस पॉइंट, दिस पी, इजंट इट. नाउ थर्ड रोटेशन आपको मिला, ए आ गया लाइक दिस, ए इस तरह से आ गया, पहले ऐसे आया, आफ्टर दैट लाइक दिस. ओके सो यू विल गेट, ये जो P है यहां आ गया एंड ये आपको ऊपर मिला. तो सेम फिगर पॉइंट हमने इसलिए दिया ताकि आपका रोटेशन समझ में आए, बट फिगर ये शेप जो है सेम फिगर, सेम ओरिजिनल शेप यू विल गेट इन 180 डिग्री. इस पोजीशन पे आपको 180 डिग्री पर सेम फिगर आपको मिला. नाउ थर्ड टाइम जब P आएगा तो कहां जाएगा? लाइक दिस, यहां आ जाएगा एंड दिस स्टेप्स. और फाइनल मींस टू, टू टाइम्स ऑर्डर यू विल गेट, टू टाइम्स, दो बार आपको सेम स्टेप्स मिला. नाउ सेकंड बी पार्ट, बी पार्ट, बी पार्ट की दलिया एंगल. ओके सो एज यू नो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है दिस स्टेप्स गिवन. सो ए एंगल, ए एंगल इक्वल होगा, यहाँ 80 है तो ये भी आपका 80 डिग्री होगा, बट दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होगा. ओके सो 180 है तो दूसरा भी 80 होगा, क्योंकि एज यू नो ना वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? इट विल बी इक्वल. ओके तो ये दोनों का एंगल अलग होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा और ये दोनों एंगल इक्वल है. सिमिलरली अब इसको रोटेट करके देखते हैं कि आपको कितने टाइम्स ऑर्डर मिला. सेम स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस, सेम ओरिजिनल आपका ये शेप है. नाउ इसको रोटेट करते हो तो 180 डिग्री में आपको क्या मिला? ये आपका this is this figure original. After that if you rotate so you'll get like this, 80 degree comes from that side aur 80 degree aapko idhar mila. Now next 180 degree means second times mein rotate karte ho so ye aapka 80 degree from this place and 80 degree this, means this figure and this figure both are same, both same. Now थर्ड टाइम इफ यू रोटेट, ये आपको सेकेंड टाइम्स है, नाउ थर्ड टाइम. सो थर्ड टाइम यू विल गेट फिगर 80 डिग्री एंड 80 डिग्री. तो इस तरह का मिला. फोर्थ टाइम आपको ओरिजिनल, तो टू टाइम्स, वन एंड वन, टू टाइम्स ऑर्डर यू विल गेट टू. ओके सेकेंड में भी आपको टू मिला, फर्स्ट में भी टू मिला. Now three parts, order you will get three, triangle है तो आपको fourth part में, D part में 4 मिलेगा, E part also you will get 4, F part, regular pentagon, regular pentagon means all sides will be equal, all sides क्या है इसका? Equal है, it is all sides equal means you will get 5 times, 5 rotational, 5 times इसका rotation होगा, so you'll get 5, rotational symmetry will get 5, G part,
6 1 2 3 4 5 6 तो इन जी पार्ट आपको 6 मिलेगा एच पार्ट 3 ओके इन एच पार्ट यू विल गेट 3 रोटेशनल सिमेट्री तो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड बेटा समझ में आया कि नहीं आया